बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं व्हाट्सएप बॉलीवुड। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के 45 डेज के बाद उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि सुशांत डिप्रेस नहीं थे। आइए जानते हैं अंकिता ने और क्या कहा। सुशांत की मौत के बाद पहली बार बात करते हुए अंकिता लोखंडे ने इंटरव्यू में कहा, सुशांत ऐसे इंसान नहीं थे जो आत्महत्या करेंगे। जब हम साथ थे तो हमने इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट टाइम देखा है। वो एक खुश मिजाज इंसान थे। मैं उन्हें जितना जानती हूँ वो एक डिप्रेस्ड इंसान नहीं थे। अंकिता ने कहा कि सुशांत छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ ढूंढ लेते थे। उन्होंने कहा, मैंने जिंदगी में कभी सुशांत जैसा इंसान नहीं देखा जो अपने सपने खुद लिखता था। उनके पास डायरी थी, उनके 5 साल के प्लान्स थे जिसे वो पूरा करना चाहते थे। 5 साल बाद उन्होंने सपनों को पूरा भी किया। जब डिप्रेशन जैसा शब्द उनके लिए यूज होता है तो ये काफी हार्ट ब्रेकिंग होता है। वो अपसेट या नाराज हो सकते थे लेकिन डिप्रेशन काफी बड़ा शब्द है। अंकिता ने सुशांत के बारे में बात करते हुए आगे कहा, जिस सुशांत को मैं जानती हूँ वो एक छोटे शहर से आए थे। उन्होंने अपने दम पर खुद को यहाँ स्थापित किया। उन्होंने मुझे एक्टिंग के साथ साथ कई चीजें सिखाई। किसी को पता भी है कि सुशांत कौन और क्या थे? हर कोई लिख रहा है कि वो कितने डिप्रेस्ड थे। ये सब पढ़कर दुख होता है। अंकिता ने आगे कहा, वो छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेते थे। मैं जानती हूँ कि वो खेती करना चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं अपनी शॉर्ट फिल्म बना लूंगा। मुझे नहीं मालूम कि सिचुएशन क्या थी लेकिन मैं ये दोहराऊंगी कि वो डिप्रेस नहीं थे। मैं उन्हें लोगों के दिमाग में एक डिप्रेस इंसान बने नहीं रहने दे सकती। वो एक हीरो थे और एक इंस्पिरेशन थे। वेल, अंकिता के इस इंटरव्यू के बाद ये मानना काफी मुश्किल होगा कि सुशांत ने खुद की जान ली है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखना मत भूलिए व्हाट्सएप बॉलीवुड।